शकुनपुर दिल्ली के दादा देवता शिव मंदिर के विशाल प्रांगण में स्वर्गीय जयदेव यादव स्मृति विशाल कुश्ती आयोजन में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति ने युवा पहलवानों को खूब उत्साहित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सियासतदान भी एक प्रकार की कुश्ती लड़ते हैं, पर जिस तरह की कुश्ती एक नियम और कायदे से लड़ी जाती है और तब जो जीत मिलती है उसका अलग मजा होता है, उसी तरह सियासत की कुश्ती के बीच कायदे हैं, पर कुछ लोग बिना नियमों का पालन किए लड़ रहे हैं। कोई ना कोई रंग कुश्ती हर जगह पे दिखती है, राजनीति में भी कुश्ती अपने रंग लाती है और पिछले चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से जो लोग जीत के आए उन्होंने जो यहाँ भी जब कुश्ती होती है तो कोई ना कोई रूल्स लागू रहते हैं, कोई ना कोई मापदंड लागू रहते हैं। अगर ये बिना रूल्स के कुश्ती लड़ेंगे तो जीत तो सकते हैं, लेकिन रूल्स का अगर उल्लंघन करेंगे तो फिर परिणाम ठीक नहीं होगा। तो जो कुश्ती लड़ के आए उन्होंने रूल्स का रूल्स को सामने रखते हुए कुश्ती नहीं लड़ी उसको, और इसलिए उनकी जीत, उनको मुबारकबाद हमें देना चाहिए। लेकिन समाज सभी चाहता है कि जो भी खेल खेलो, चाहे वो राजनीति का खेल हो, चाहे वो इस मैदान में कुश्ती का खेल हो, वो नियमानुसार खेल होना चाहिए। नियमानुसार खेल होगा तो जीत उसी की होगी जो सही तरीके से कुश्ती लड़ेगा। इस अवसर पर कई नामी पहलवानों के साथ पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज आदि लोगों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया।